ना उमर, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी तबीयत तो 2 दिन से शदीद किस्म की ख़राब थी। आई वॉज ऑन बेड रेस्ट और मैंने ना अपने पैरों की बिल्कुल भी केयर नहीं की, और अब जब मैं रेस्ट से उठी हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे शदीद किस्म के पेडिक्योर की ज़रूरत है, और डेफिनेटली पेडिक्योर मैं घर पर करूँगी। मेरा कमज़ोरी से हाथ हिल रहा है, और जो पेडिक्योर है वो मैं घर पर करूँगी। जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करने लगी हूँ वो रेंज में तो एवरेज हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स कमाल हैं, आला लेवल के। ठीक है, ना ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स हैं ना ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन गारंटीड रिजल्ट्स हैं उसके। एक बार आप लोग पैसे खर्च कर लें, पूरा साल आप लोग घर में पेडिक्योर कर सकते हैं। हर 15 दिन बाद, हर 20 दिन बाद कहीं नहीं जाएंगे आपके वो प्रोडक्ट्स, और रिजल्ट्स जो हैं कमाल के आपको मिलेंगे। अच्छा, और मैं क्या कहने लगी थी, और मैं ये कही थी कि जब हम किसी एवरेज सलोन में जाते हैं पेडिक्योर के लिए, तो हमें वहाँ पे 1500 चार्ज करने पड़ जाते हैं। ठीक है, और जितना हाई लेवल का सलोन होता है उतने हाई लेवल के चार्जेस भी होते हैं, और उनके जो मोस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं वो सॉफ्ट टच गोल्डन गर्ल यही होते हैं। लेकिन मैं जो यूज़ करने लगी हूँ आज की वीडियो में प्रोडक्ट्स, वो ना तो सॉफ्ट टच के ना गोल्डन गर्ल के, एक मज़े का ब्रांड है, सूट लाजमी करेगा हर किसी को। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो मैंने कर लिया है, घर के काम ख़त्म कर लिए हैं, अब आती है मेरी बारी सेल्फ पैम्परिंग की। सो अलीना उमर करने लगी है सेल्फ पैम्परिंग, सो आप लोग साथ रहिएगा। अच्छा जी, तो ये है वो प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करने लगी हूँ, और ये है डॉक्टर रोमिया के प्रोडक्ट्स। इसके अंदर सबसे पहले तो हार्मनी लेमन स्क्रब है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इसमें कोकोनट ऑयल है, स्वीट एलमंड ऑयल है, और विटामिन ई ऑयल है जो कि माई स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ 7 Berries मर्ड मास्क, फेस के लिए है, लेकिन इसको किस तरह से फुट के लिए यूज़ करना है, स्टे ट्यून्ड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकी सबसे अमेजिंग लाइम रिवाइव फुट क्रीम जो कि पैरों को इतना सॉफ्ट स्मूथ बना देती है कि आई हाय हाय। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक टब लिया, टब के अंदर मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाला, और अब मैं साथ गर्म पानी डाल रही हूँ। गर्म पानी आपने इतना डालना है कि आपके पाए उबले ना, उसके अंदर सिर्फ इतना होना चाहिए कि एक इंसानी बॉडी जो है उसकी हीट बर्दाश्त कर सके, इतना गर्म पानी होना चाहिए। लाइक आप अपने पाँव डबो लें तो आपको सुकून मिले, ना कि आई आई हो जाए। अच्छा जी, अब हम लोगों ने लेना है एक शैम्पू, या तो आप लोग बॉडी वॉश भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ किड स्वैव शैम्पू, थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, और फिर उसके बाद इसको मिक्स करूंगी और अपने पाँव अंदर डबो दूंगी, और फिर इसको उबलने के लिए छोड़ दूंगी। साथ साथ मैं ग्रेप्स खाती रहूंगी, और उसके 5 से 7 मिनट आपने अपने पाँव को जो है उसके अंदर डिप करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, पाँव को बिल्कुल भी ड्राई वगैरह नहीं करना, इसी तरह पाँव बाहर निकालने हैं। और आप लोगों ने लेना है डॉक्टर रोमिया का शुगर एंड लेमन स्क्रब, और ये इतना मज़े का स्क्रब है, ये आपकी डेड स्किन को रिमूव कर देता है, आपके पाँव को वाइट भी करता है, हाथों पैरों दोनों को, फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको सिर्फ हाथों पैरों के लिए करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर ग्रेन्स है ना वो थोड़े से लाइक किस तरह के हैं कि आपकी जो बॉडी है, बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स हैं, उनको नुकसान भी दे सकता है। सो मैं इसको सिर्फ हैंड्स एंड फीट के लिए यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैं अच्छी तरह से अपनी उंगलियों के पोर्स पे जगह जगह अच्छी तरह से फिंगर्स के साथ रबिंग करूँगी। ऊपर की मोशन में करना है, नीचे की तरफ नहीं करते, और सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हैं। फिर हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसी तरह करना है। आप लोगों ने अपने जो पाँव की हील्स हैं, पाँव का नीचे वाला हिस्सा है, उसके ऊपर भी इस स्क्रब को स्क्रबिंग करनी है इससे, ताकि आप लोगों के पाँव के नीचे से भी जितनी भी डेड स्किन है वो भी रिमूव हो सके। फिर उसके बाद इसको हमने साफ कर लेना है, और अब हमने लेना है 7 Berries मर्ड मास्क। मेक श्योर कि आप लोगों ने स्क्रब अच्छी तरह से अपने पाँव पे से रिमूव कर लिया हो। ये जो हमारे पास 7 Berries मर्ड मास्क है, इसको हमने किसी भी बॉल में प्लेट में निकाल लेना है, थोड़ा सा जितना हमारे पाँव पर लग सके। और फिर हमने लेनी है ब्लीच क्रीम का पाउडर, जो ब्लीच क्रीम के अंदर पाउडर यूज़ होता है ना, वो हमने लेना है, वो हमने इसके अंदर डालना है। आप चाहें तो थोड़ा सा ब्लीच क्रीम का डेवलपर भी, यानी क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, जो मिक्स हो गया तो फिर मैंने उसको अपने पैरों पर लगा लिया। दोनों पैरों पर इवनली स्प्रेड कर लेना है, कोई भी आपके पाँव का हिस्सा ना छूटे। इससे ये होगा कि आपके पाँव जो है वो ब्लीच हो जाएंगे, स्किन जो है आप लोगों की साफ हो जाएगी, नीट हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी, ये भी आप कह सकते हैं। तो मैंने जब दोनों पाँव पे इसको लगा लिया तो अच्छा जी, ये जो ब्लीच मास्क है ये आप लोगों ने अपने पाँव पे 12 से 15 मिनट के लिए लगाना है। उसके बाद आपने अपने पाँव धो लेने हैं, धोने आपने टैप वाटर से है, नॉर्मल वाटर होना चाहिए, गर्म पानी से नहीं धोने। इस वक्त हम लोगों को नॉर्मल वाटर की ज़रूरत है। फिर हमने क्यूटिकल कटर लेना है, और आपके पाँव पे जितने भी क्यूटिकल्स हैं, जो एक्स्ट्रा स्किन होती है, उसको हमने रिमूव कर देना है। और ये मैंने बहुत तरीके से
ऑफ कैमरा रिमूव किया था। इसके अलावा जो आपके पाँव का नीचे वाला हिस्सा है उसकी क्लीनिंग के लिए आप लोगों को डेफिनेटली ज़रूरत होती है स्क्रैपर की, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि वो एक बहुत ही गंदा सा काम हो जाता है। फिर मैंने क्या किया, सारा कुछ करने के बाद मैंने ली ऑर्गेनिक डॉक्टर रोमिया की लाइम रिवाइव फुट क्रीम, और ये इतनी अच्छी फुट क्रीम है कि आप लोग इसको हफ्ते में दो बार भी लगाएंगे ना तो आपके पाँव जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूद हो जाएंगे। तो मैंने ले के अच्छी खासी क्वांटिटी में अपने पाँव के आगे पीछे दोनों तरफ लगा लिया और इसे पाँव बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए, सॉफ्ट हो गए। और ये था हमारा पेडिक्योर का लास्ट स्टेप। और जब आप मैनीक्योर करते हैं तब मैनीक्योर में भी आपको यही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जो कि पेडिक्योर में करने हैं, ठीक है। मेरे लिए प्रॉब्लम ये हो रही थी कि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं कर रही थी, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। और ये देखें, ये मेरा लास्ट रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट्स पाँव का। और साथ साथ जैनब भी लगी हुई थी करने, जैनब ने भी पूरा पेडिक्योर किया, सिर्फ उसने वो जो ब्लीचिंग एजेंट है। आप लोगों को अच्छी लगी होगी, रिजल्ट्स कितने कमाल के आए हैं। ये जो मास्क मैंने यूज़ किया है, डेफिनेटली ये मास्क होता तो स्किन के लिए है, फेस के लिए, लेकिन मैंने इसके अंदर ब्लीच डाल के जब इसको पाँव पे किया तो आला किस्म के रिजल्ट्स आते हैं। ये मेरी जो है ना क्रिएटिविटी है कि मैं किसी भी चीज़ के साथ कुछ भी कर लेती हूँ। और आई नो मैं बहुत ज़्यादा ओवर होती हूँ, मेरे हस्बैंड भी मुझे समटाइम्स कहते हैं कि तुम बहुत ओवर होती हो। और एक ड्रामा लगता है, टर्किश ड्रामा, उसका उर्दू में डबिंग की हुई है शजरे ममनू के नाम से। तो वहाँ पे ना एक लड़की आती है, उसका नाम है यिल्दिज, वो बहुत ओवर होती है। तो उमर कहते हैं कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बहुत ओवर होती है। और मज़े की बात ये कि उसका जो हस्बैंड है उसने चार शादियाँ की होती हैं, लेकिन उन चारों बीवियों में से उसको सिर्फ अपनी वही बीवी पसंद है जो ओवर होती है। तो इसलिए मैं भी ओवर होती हूँ। और मज़े की बात ये है कि ड्रामे का नाम मैं भूल गई थी और बाथरूम में से उमर की आवाज़ आई, शजरे ममनू। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।